हेलो माय लव्स, माय नेम इज फराह खान। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू आर गाइस डूइंग रियली अमेजिंग। फॉर टुडेस वीडियो आई एम गोना बी रिव्यूइंग दिस थ्री लेयर ज्वेलरी बॉक्स ऑर्गेनाइजर स्लैश स्टोरेज बॉक्स। सो अमेजोन पे मैंने इस स्टोरेज बॉक्स को देखा था रिसेंटली और मुझे यू नो इनका आइडिया बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा। दिस काइंड ऑफ लॉक बॉक्स, लाइक आप इसमें अपनी गोल्ड की ज्वेलरी, अपनी डायमंड की ज्वेलरी भी स्टोर कर सकते हो तो सेफ रहिए। इस तरह से मैंने थोड़ा, मुझे लगा कि थोड़ा हटके प्रोडक्ट है, तो भाई हटके प्रोडक्ट है तो मैंने परचेज करना है और फिर परचेज किया है तो ऑब्वियसली बात है रिव्यू तो आप लोगों को लास्ट भी मैंने देना ही है। सो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को इसका रिव्यू देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे सो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू लाइक थोड़ा बहुत प्राइस वगैरह शेयर करूंगी कि इसकी प्राइस क्या है एंड वगैरह वगैरह। आज वैसे मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ सो आई होप कि ये लाइटिंग थोड़ी बैलेंस हो जाए। फिलहाल बैकग्राउंड का कुछ करना है, खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट आज की वीडियो सिर्फ इस ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर है तो मैं इंट्रो बहुत लेंथी नहीं करना चाहती। ओके सो पहले हम थोड़ी सी प्राइस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं लास्ट में अपना फाइनल रिव्यू दूंगी और बीच में आप लोगों को दिखा भी दूंगी लाइक इसका डिटेल में आप लोगों को रिव्यू दे दूंगी। सो या नाउ विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। So as usual, starting off with the price, packaging and availability. First of all, let's quickly talk about the price. The price of this one is 1,999 rupees, which means basically 2,000 rupees का है ये product. अगर आप कभी उनको cash payment करते हो तो वो आपको कभी भी 1 rupees वापस नहीं देंगे, तो it's like 2,000 का ही है, ठीक है। अब पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं तो ये अमेजोन के आउटर कार्डबोर्ड बॉक्स में आया था जिसकी वजह से ये सेफ था और इसके अंदर भी एक बॉक्स था तो डबल पैकेजिंग मुझे रिसीव हुई थी जो कि आप लोगों को मैं आगे डेमो में भी दिखा दूंगी। इसके साथ कुछ इस तरीके की ये प्लास्टिक की पॉली भी आती है जिसके ऊपर ये लाइक इसके ऊपर कवर अप थी वो। ओके सो ये तो बात हो गई पैकेजिंग की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जहां तक मैं जानती हूं कि इससे सिमिलर लाइक कलर में पहले भी मैंने देखे हैं अमेजोन पर, बट दिस इज लाइक अ डिफरेंट होल आइडिया। सो लाइक होल डिफरेंट आइडिया, लाइक उल्टा सीधा हो जाता है कभी कभी, सो यू नो मी राइट। सो ऐसा हो जाता है। सो द पॉइंट इज के लाइक अमेजोन पर दो तरह के सेलर्स होते हैं। एक होते हैं फुलफिल्ड बाय अमेजोन, यानी कि जिसको अमेजोन ही पैक करता है, डिस्पैच करता है, एवरीथिंग लाइक उनके अंडर में होता है। एक होता है डिलीवर्ड बाय अमेजोन। नाउ डिलीवर्ड बाय अमेजोन इट मीन्स के सब कुछ सेलर करता है, सिर्फ अमेजोन डिलीवरी देती है। जैसे कि अगर आप अपना न्यू सेलर अकाउंट बनाते हो तो आपको भी स्टार्टिंग में कभी भी यू नो अमेजोन सब कुछ नहीं करके देता है, पहले आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके फुलफिल्ड बाय अमेजोन तक आप पहुंचते हो। नाउ मैंने जहां तक इन जनरल शॉपिंग करी है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन और डिलीवर्ड बाय अमेजोन दोनों ही ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। रिटर्न में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, चाहे आप दोनों में से किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स लेते हैं। ओके तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी और इसमें आप लोगों को बताऊंगी कि इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स हैं और क्या क्या है, वो सब कुछ आपको मैं अभी अपने डेमो में दिखा दूंगी लाइक इसके अनबॉक्सिंग में। तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे इसके रिव्यू के ऊपर लाइक इज दिस वर्थ इट और नॉट। सो या लेट्स गो। ओके यू गाइस, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आउटर पैकेजिंग से। तो मैं ऑलरेडी पैकेट खोल चुकी हूँ जैसे कि आप लोग देख ही सकते होंगे। सो अमेजोन का आउटर बॉक्स आपको मिलता है, साथ ही साथ में ये अपना इनर में लाइक अपना भी आउटर बॉक्स देते हैं जिसकी वजह से ट्रांजिट के टाइम पे बिल्कुल सेफ्टी रहती है आपके प्रोडक्ट की, आपको किसी भी तरह का डिफेक्टिव डैमेज आइटम नहीं मिलता है, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब एक हाथ से आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, अभी आपको चाबी ऊपर दिखाई दे रही होगी लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट रिसीव किया था तब चाबी इसके अंदर थी तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ था कि अब मैं इसे खोलूंगी कैसे, क्योंकि मुझे लगा ये लोग चाबी देना भूल गए और मुझे इसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा की से, उसके बाद ही खुलेगा। तो इसका डायमेंशन है 32x8x8 और मैंने आप लोगों को चारों तरफ से दिखा दिया कि ये चारों तरफ से कैसे खुलता है, लाइक सॉरी कैसे दिखता है। अब आप लोगों को बताती हूँ कि ये खुलता कैसे है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका लॉक ऊपर करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसे जस्ट खोल देना है। नाउ यहाँ पर भी इसके ऊपर जो स्टील का आपको लॉक मिल रहा है उसके ऊपर भी लाइक पैक पॉलीथीन ट्रैप हुई हुई थी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। की ये रही प्लास्टिक की पॉली में जिसको आपने कैसे लॉक करना है और लॉक करना है वो मैं आप लोगों को अभी आगे बताती हूँ। नाउ कलर है इसका ग्रीन, मटेरियल है इसका वेलवेट और जो मेन मटेरियल है वो है एमडीएफ। नाउ अगर आप लोगों को नहीं पता तो एमडीएफ एक्चुअली है वुडन बेसिकली, जहाँ पे वो लोग आप लोगों को एक्चुअली में बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैंने अपने भाई सिंह जल्द जितना पता किया है इसके बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, ठीक है। तो नाउ ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, लाइक स्पेशियस तो इज़ अ अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर इन टोटल चीज़ें क्या क्या मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम है थ्री लेयर लॉकेबल पोर्टेबल ट्रेवल ज्वेलरी बॉक्स। तो इसके अंदर तीन लेयर हैं, तो ये जितने भी इसमें डिवाइडर मिल रहे हैं ये रिमूवेबल हैं और आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने
अकॉर्डिंग। तो अगर आप ब्रेसलेट्स रखना चाहते हैं या फिर अपने नेकलेसेस रखना चाहती हैं, वॉचेस रखना चाहती हैं, बड़े बड़े आइटम, तो वो भी आप स्टोर कर पाओगे क्योंकि ये एडजस्टेबल है। इसके अंदर आप लोगों को 36+30 ईयरिंग्स होल्डर के स्लॉट्स मिलते हैं, ड्यूरेबल है, सेफ्टी है लॉक एंड की वजह से। नीचे आपको ड्रॉअर भी मिल रही है, यहाँ पर स्पेशियस है, तो कोई मेकअप ब्रश या फिर कोई भी बड़ी लंबी चीज़ें जो होती हैं वो आप लोग रख पाएंगे ईजिली। और आप लोगों को यहाँ पर मैं मटेरियल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी हार्ड और अच्छा मटेरियल है, और ना ड्रॉअर भी बहुत ईजिली अंदर जा रही है और निकल के भी बाहर बहुत ईजिली आ रही है। बिग कैपेसिटी है, 3 लेयर्स हैं, 8 यहाँ पे स्लॉट्स, लाइक 8 नेकलेस के यहाँ पे हुक्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप ईजिली अपने जो नेकलेसेस हैं उनको आराम से हैंग कर पाएंगे। इसमें आपको 1 लार्ज स्टोरेज पाउच मिल रहा है, प्लस 36 एयर स्टड्स के कार्ड्स मिल रहे हैं, 30 ईयरिंग केस मिल रहे हैं, 17 रिंग केसेस मिल रही हैं, 27 बिग रिंग्स केसेस मिल रही हैं। इसके साथ आपको एक लार्ज वॉचेस डिस्प्ले केस भी मिल रहा है, 6 रिमूवेबल यहाँ पे स्लॉट्स हैं, सारे के सारे जितने भी इसमें अटैचमेंट मिल रहे हैं सब रिमूवेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लॉक और की का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे आप इसको अनलॉक कर सकते हो और लॉक कर सकते हो। तो अगर आप अपनी कोई भी डायमंड गोल्ड ज्वेलरी या फिर अपनी सिल्वर ज्वेलरी या कोई भी ऐसी प्रेशियस ज्वेलरी इसमें रखना चाहते हैं, कुछ और सामान रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं, ये नहीं खुलेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। आउटर मटेरियल इसको जो रैप किया गया है वो वेलवेट से किया गया है, अंदर का बोर्ड कार्डबोर्ड लाइक बहुत हार्ड मटेरियल है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। लाइक अगर आप लोगों ने कोई अच्छा स्टोरेज ऑर्गेनाइजर स्टोरेज बॉक्स लेना है तो मेरी तरफ से ये हाईली सजेस्टेड है, क्योंकि काफ़ी स्पेशियस है, ये हार्ड क्वालिटी है, प्राइस वाइज भी मैं बोलूँगी बहुत ज़बरदस्त है, और आपकी मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी इसमें आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये हाईली 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 रिकमेंडेड है। सो या दैट वाज इट। आप उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो या आई विल वीडियो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।